श्यामचंद्र भगवान की जय। पावन पुत्र हनुमान की जय। उमा प्रतिमा देव की जय। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय। प्रीतम मेरे अपना कि सब तो पहला उन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की। पिंछण आने तो बाद जो पंजाब दे विच आतंकवाद का पूरा साया सी उस वेले भी उन्होंने अतवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। उन्होंने मन में
किसी तरह का कोई डर भय नहीं सी। वो ग्राम पंचायत कलानौर के मैंबर भी रहे, हमेशा गरीब के हक में खड़े होंगे सी। अगों उन्होंने परिवार के दोनों बेटे अपने पिता के कदम चिन्ह चलते हुए समाजिक धार्मिक राज क्षेत्र में सक्रिय होकर हमेशा गरीब के हक में खड़े होंगे ने। बहुत ही दुख भरिया दिन है साढ़े छोटे वीर श्री प्रदीप सज्जा जी के पिता जी का, जो एक छोटी जी बीमारी के बाद देहांत हो गया। मैं इतने विशेष तौर पर यह दसना चाहना कि सैशन चलन करके बाजवा साहब नहीं आ सके, छोटे फतेह भाई ने आना सीगा, वह भी अज उन्होंने सहु चुकनी है उसे असैम्बली दे विच, नहीं आ सके। पर जो भी इतने आए अपने हल्के प्रदीप जी नाल दुख साझा कर आए, मैनू इतने मैं खड़ा सी हुणे सज्जन दस रहे सीगे कि सूबेदार साहब बहुत जुरत वाले बंदे सीगे, और मैं पिछे अखबार च भी छड़ के वापस जाना हुंदा, मालक दे हुकम दे विच सज्जन मान योग सज्जन साहब सानू सारयां नूं चंद दिन पहलों विछोड़ा दे के चले गए ने। उन्हां दी शख्सियत दे बारे असी जिन्नी भी सिफत कर सकीए उन्नी थोड़ी आ। जिथे डिफेंस दे विच उन्होंने सेवा की, उस तो बाद कलानौर के लोग उन्हां दी जिंदा दिली दे करके बहुत लंबा समा उन्हां नूं याद रखणगे। अज साडे छोटा बोलू घर है, अज साडे बुजुर्ग द्वारकादास जी जिहड़ा प्यार का प्यार सानू दे के इत्थे गए ने, उन्होंने ना भुलण योग असीं अपनी लाइफ के समझते रहेंगे। उन्होंने आशीर्वाद साडे नाल हमेशा रहेगा, उन्हां दी जुट की लाज देनी पैगी। इदां दा प्यो हर नागरिक नूं परमात्मा बख्शे, इदां कहिंदा होया समय है, क्योंकि घर दिन में जो है तो है, मेरे बहुत है, क्योंकि मेरे बाकी कई तो लैके ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲ ਹਲਕਾ ਖਾਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। और मैं समझना कि एक रूप श्री द्वारकादास जी और उन्होंने कर्म और उन्होंने यह कार्य से उन्होंने परिवार को पता लगता है, क्योंकि सच्चे जी राजनीति लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने परिवार धार्मिक काम के लिए बहुत वधिया काम कर रहा है। सो मैं सारे बेनती करता हाँ कि उन्होंने अरदास करिए गुरु महाराज जी उन्होंने अपने जन्म से वास कर।
श्याम राम चंद्र भगवान की जय। पावन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राम ताहि विधि रहिए। मोक्ष देहो राम 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 सेवा हाथ में। 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 तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है। हाँ तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है। जी का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के।
दीनानाथ के जिंदगी की डोर सो अरमास दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे 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 धन्यवाद निर्वाण राम राम कहिए जाही विधि राखे राम काही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम काही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए यारी बीति रखे राम ताई बीति रहिए आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता छोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता छोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता छोड़ दे फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए काम रस शोर प्यारे राम रस परिए सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए कभी भगवान राम जी से कह रहा है कि भगवान जी जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे वो भगवान राम जी से कह रहा है भगवान हमें चाहे झोंपड़ी में रखो चाहे महलों में रखो ये हमने डोरी आप पर इसलिए तो सभी बोलो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्वाण राम राम कहिए जाही विधि राखे राम काही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय सतगुरु भगवान की जय हे देव करुणा सिंध करुणा कीजिए हो अधम आदीन अशरण अब शरण गुरुदेव करुणा सिंध करुणा की
आशरण अब शरण मेरी जिए। कवि कह रहा है खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई अपना इस संसार में, आसरा है दूसरा तेरे गुरुदेव करुणा सीत करुणा दिए आदम दीन अशरण अब शरण में जिए, फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप भी। तथा इस लोक में सुख देने वाला है जो नासिता का आत्म नर इस कर्म को नहीं करते हैं, उनका स्पष्ट किया हुआ जल भी सुरा के पूज पीने के अयोग्य है। देवता पितर धन उसके घर को नहीं देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुदा तथा और लोगों को भी प्रेम क्रिया के बिना चांडाल के समान जानना चाहिए। इस पवित्र प्रेत कल्प को जो सुनाता है और जो सुनता है वह दोनों पाप से छूट कर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। हे गरुण जी, माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। जिसने श्री गरुण प्राण सुना हो, कैया श्राद्ध ना किया हो, जिसने वर्षो स्वर्ग ना किया हो, उसे कैसे पुत्र कहा जाए? वह तीनों प्रकार के विषय से कैसे छूटेगा? माता पिता को ताड़ने में कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से श्री गरुड़ प्राण नीचे सुनना चाहिए। जे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है और दुख का नाश करने वाला है, अब इसे सदा सुनना चाहिए। इस श्री गरुण प्राण को सुनकर इस पुराण के बांचने वाले को वर्णित अथवा जलेश को दान देना चाहिए। पहले पुराण की पूजा करें, तत वस्त्र अलंकार गौदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक वाचन की पूजा करें। अन्न सोने के दान और बहुत भूमि दान से अधिक फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक वाचन की पूजा करें। वाचन की पूजा करने से भी मैं पूजित होता हूँ। जो अपने ताना माने धारकर भगवान का नाम लेता है तो गौ माता की सेवा करता है, उसको तो भगवान बहुत सा फल देते हैं। जो अपने माता पिता की कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है, तो सब क्रिया कर्म करता है तो उसका फल पुत्र को अश्वमेध का फल मिलता है। इसलिए गौ माता की भी सेवा करें। तो घर पर तुलसी दल जरूर रखे, तुलसी माता का जहाँ पर जिसके घर में तुलसी का बूटा है वो तीर्थ स्थान है। तो जिसके घर में तुलसी का बूटा होता है वहां पर जपदोत दिखाई नहीं देते, विष्णु भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं। इसलिए पुत्र का काम यह है कि अपनी माता पिता की मुक्ति के लिए सब प्रयत्न से श्राद्ध दान अवश्य करता रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण का नाम जपता है उसके सारे कष्ट दूर हो गए, पाप सब छूट जाते हैं। इसलिए सब बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।
ही पाप किए निश दिन पाप कमाता मेरा जन्म जन्म पानाता मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता मेरा जन्म जन्म का नाता मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता मेरा जन्म जन्म का नाता हो तेरा नाम इस जग से मेरा Yeah.
किस तर Yeah.
ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਮਾਮਕੀ ਜੀ ਤੁਮ ਜੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਜੀ ਹੋਇ ਗਾਉ ਕੀ ਰਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਗਾ ਜੋ ਚਰਨਾ ਪਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਕੁ ਜਮਦਾ ਬਮਾ ਉਹ ਮਾਤਵਾਰ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆਨ ਰੋਗਾਉ ਜਮਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇ ਪਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾ ਜੀ ਮਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਫ਼ੀ
बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरु महाराज की जय। अपने अपने सतगुरु महाराज की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। तू जिन्ने मर्जी दुख दे रहे दुख से दुख सहन की आदत रह गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे रहे दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे रहे दुख सहन की आदत की दुख दे रहे दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। दे दरदा तेनू की कहना दे दरदा तेनू की कहना चुप रह दी आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। साडी चेहरे उत्ते लिखियां ने साडे दिल ते जो जो बीतियां ने असी फुलना चाहिए फुल दे मेरे नाल तुजो जो कीतियां ने मेरे नाल जो मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। दे दरदा तेनू की कहना दे दरदा तेनू की कहना चुप रह दिल रखी बांधे सानू तेरे उत्ते दोष नहीं असी मारे यार नसीबां दे असी मारे यार नसीबां दे असी मारे यार नसीबां दे सानू मेले चंगे लगदे नहीं सानू मेले चंगे लगदे नहीं वखरे दी आदत पै गई जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख दे दुख सहन की आदत पै गई है। दे दरदा तेनू की कहना दे दरदा तेनू की कहना सच कहन की आदत पै गई है। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਵੇ ਰੁਸਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਰੁਸਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਰੁਸਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕੰਨਾ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕੰਧਾ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਦੇ ਦਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਦਰਦਾ ਤੇ
ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਿੰਛਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ
हमेशा गरीब के हक में खड़े होंगे सी। अगों उन्होंने परिवार के दोनों बेटे अपने पिता के कदम चिन्ह चलते हुए समाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होकर हमेशा गरीब के हक में खड़े होंगे ने। कोई भी साझा काम हो कभी वह पिछे नहीं रहते। अज असी स्वर्गीय द्वारका दास जी सदाजी दिवस आए हैं कि परमात्मा उन्हां दी विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों के निवास दे, उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शन और पिछे परिवार नूं इह भाणा मन्नण दा बल बख्शन। मैं हुण बेनती करांगा श्री नीरज सलोत्रा जी जो साबका चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बाजवा साहब का जो शोक संदेश लैके आए हैं, मैं उन्होंने बेनती करांगा वो मंच ते आके। अज बहुत ही दुख भरिया दिन है साढ़े छोटे वीर श्री प्रदीप सज्जा जी के पिता जी का जो एक छोटी जी बीमारी के बाद देहांत हो गया। मैं इत्थे विशेष तौर पर यह दसना चाहना कि सैशन चलन करके बाजवा साहब नहीं आ सके। छोटे फतेह भाई ने आना सीगा, वह भी अज उन्होंने सहु चुकनी है उसे असैम्बली दे विच, उह नहीं आ सके। पर जदों भी इत्थे आए अपने हल्के प्रदीप जी नाल दुख सांझा करन आणगे। मैनू इत्थे मैं खड़ा सी हुणे सज्जन दस रहे सीगे कि सूबेदार साहब बहुत जुरत वाले बंदे सीगे और मैं पिछे अखबार च भी पढ़िया उन्हां बारे एक लेख आया दा सीगा कि तीन जंगा उन्होंने देश वास्ते लड़िया साढ़े और बड़ा जज्बा सीगा उन्हां विच और इस मंदिर की कमेटी के वो बड़े सरगर्म हिस्सेदार सीगे। और मैनू बड़ी खुशी हुंदी है इस गल नूं दसदिया होया, बड़ा फख्र फील करदा मैं कि उन्होंने ऑलराउंड सेवा की है समाज की। पहले फौज रह गए, देश की सेवा की और उस तो बाद एक समाजिक तौर के उपर इस मंदिर के नाल जिदी एक आस्था बहुत दूर दूर तक लोग मानते हैं भगवान शिव जी की, उस मंदिर की उन्होंने सेवा की है। सो ये बहुत ही दुख भरिया समा है। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों और बाजवा साहब का सुनेहा कन्वे करता होया तुहाडे को आग्या मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। परिवारों को छड़ के वापस जाना हुंदा मालक दे हुक्म दे विच मान योग सच्चर साहब सानू सारयां नू चंद दिन पहलों विछोड़ा दे के चले गए ने। उन्हां दी शख्सियत दे बारे असी जिन्नी भी सिफत कर सकीए उन्नी थोड़ी है। जिथे डिफेंस दे विच उन्होंने सेवा की, उस तो बाद कलानौर के लोग उन्हां दी जिंदा दिली दे करके बहुत लंबा समा उन्होंने याद रखेंगे। उन्हां दीआं सिखियावां ते चलदिआं मेरे दोवें छोटे वीर उन्होंने समाज दे विच बड़ा ही नमाना खटिया है। जे मैं ये कहां कि कलानौर दीआं चंद प्रभावशाली शख्सियत जिहड़ियां ने उन्हां शख्सियतां दे विच दोवें वीर आउंदे ने, ते मैं समझना ये कोई अत कथनी वाली गल नहीं। इस परिवार का पिछले दो तीन सालों तो मेरे नाल इन्हां वीरां दा भरावां वर्गा संबंध है और मैं जिन्ना निघ इन्हां वीरां दे कोलों भराताचारी का जिन्ना प्यार इन्हां दे कोलों मैं महसूस किया है ये भी अपने आप च एक मिसाल है। मैं परमात्मा दे अगे अरदास करदा कि जो ये भाणा परिवार दे उत्ते आया है इस परिवार नूं हिम्मत बख्शे बल बख्शे परमात्मा। जिसने पाई है उसने आप ही हौसला देना है, वो इन्हां वीरां नूं हौसला दे ये अपने पिता जी दे इस विछोड़े नूं स्वीकार कर सकन। अते ये भी अरदास करदा हां भोले शंकर जी दे चरणां दे विच कि उस विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणां दे विच निवास स्थान बख्शे। सरदार गुरप्रताप सिंह जिहड़े मेरे छोटे भाई हैं हजूर साहब जान करके
वो इतने आ नहीं सके, उन्होंने वालों में सारी संगत को फतेह कर अर्ज करता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हरजीत सिंह बाजवा वाइस प्रेजिडेंट कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, उन्होंने बेनती है सरविंदर सिंह संधु सैकटरी पंजाब कांग्रेस बहुत सारे बहुत बड़े वसनीक अच्छे इस शो समारोह के एकत्र हुए हैं। अज साडे छोटा बोलूंगा मैं, अज साडे बुजुर्ग द्वारकादास जी जेड़ा प्योर का प्यार सानू दे के इत्थे गए ने, उन्होंने ना भुलण योग असीं अपनी लाइफ के समझते रहेंगे, उन्होंने आशीर्वाद साडे नाल हमेशा रहेगा, उन्हों की जरूरत की दात देनी पैगी। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੁਆਰ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨੀ ਦੁਆਰਕਾਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾ। ਸੋ ਬੁਰੇ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਲਾਗੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦੁਆਰਕਾਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹਲਕਾ ਖਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।